देखो अभी आधा लेसन जो आगे वाला है वो हम पढ़ लेते हैं। तो ये जो घोंसला है उसे बहुत घमंड था कि उसी की वजह से चिड़िया जीवित है, सिर छिपाने के लिए जगह है। तो इतना सब उसने अकड़ कर चिड़िया को कहा, तो चिड़िया का क्या रिएक्ट करती है वो हम अभी देखते हैं। चिड़िया मुस्काने लगी और समझाती हुई बोली, भाई घोंसले, बात तो तू ठीक ही कह रहा है, लेकिन एक बात तो भूल गया है। तू अगर अपने तिनके इधर उधर बिखेर देगा तो स्वयं मिट जाएगा। देखो इतना कुछ गुस्से में आकर अकड़ कर घोंसले ने चिड़िया को सुनाया, लेकिन चिड़िया गुस्सा हुई क्या? नहीं, वो बड़ी ही शांत रही और मुस्कुराते हुए बोली, भाई दिनके, ये जो तुम कह रहे हो वो तो ठीक है ना, मुझे मान्य है कि तू बराबर कह रहा है, लेकिन तुम सोचो अगर तुम अपने तिनके इधर उधर तुम खुद बिखेर दोगे तो तुम्हारा ही अस्तित्व तुम स्वयं ही मिटा दोगे, है ना? ऐसे किसने कहा? चिड़िया ने घोंसले को समझाते हुए कहा, जिन तिनकों से तू बना है ये तो इधर उधर ही बिखरे हुए पड़े थे। मैंने ही एक एक तिनका बड़े जतन से एकत्रित किया है, इकट्ठा किया है और तुम्हें बनाया है ना? सही बात है, तिनके जो है इधर उधर पड़े ही होते हैं, लेकिन चिड़िया उसे बोलती है, समझाती है कि तू तो इधर उधर पड़ा था, मैंने ही तुम्हें चुन चुन कर बड़े जतन से, है ना, जतन या जतन संभाल कर, बड़े संभाल कर एकत्रित किया, इकट्ठा किया और तुम्हें बनाया है। तो मेरे ही कारण तेरा अस्तित्व हुआ ना। देखो चिड़िया ने कितने प्यार से और कितने समझदारी से घोंसले को समझाया है, मैं तुझे न बनाती तो तेरा यह रूप न होता, इस समय तिनकों के रूप में बिखरा होता। अगर मैं तुम्हें न इकट्ठा करती, न संभाल कर यहाँ पर लेकर आती, तो इधर उधर तुम अभी भी तिनकों के रूप में ही बिखरे होते। देखो कितने प्यार से समझा रही है चिड़िया, है ना, घोंसले को। भाई घमंड न कर, शक्ति बिखेरने में नहीं इकट्ठा होने में है। देखो चिड़िया कहती है, भाई, कहा उसने घोंसले को, भाई इतना घमंड न कर, शक्ति बिखेरने में नहीं इकट्ठा होने में ही है ना? देखो अगर एक हद काम होता है बड़ा सा, काम छोड़ो, हमारे स्कूल में हमें प्रोजेक्ट वगैरह देते हैं, तो अगर आप अकेले प्रोजेक्ट करोगे, कोई भी प्रोजेक्ट हो अकेले करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा और आपको बड़ी दिक्कत भी होगी, परेशानी होगी, कठिनाई होगी। लेकिन इसके बजाय आप अगर सब मिलकर यानी आप लोग सभी फ्रेंड्स आपके दोस्तों के साथ आप मिलकर वो प्रोजेक्ट पूरा करेंगे, है ना, तो वो जल्दी पूरा भी होगा, आपको इतनी परेशानी भी नहीं होगी, है ना? तो वैसे ही चिड़िया घोंसले को समझाती है कि शक्ति बिखेरने में नहीं इकट्ठा होने में है। घोंसले का सिर शर्म से झुक गया। अभी ये जो चिड़िया ने उसे समझाया है वो सभी चिड़िया की बातें सुनकर घोंसले का सिर शर्म से नीचे झुक गया था। उस दिन से उसने कोई विरोध नहीं किया, जिस दिन से चिड़िया ने घोंसले को बड़े प्यार से समझाया था, तो उसी दिन से घोंसले सब समझ चुका था कि शक्ति बिखेरने में नहीं है, और उसी दिन से उसने कोई भी चिड़िया के खिलाफ विरोध नहीं किया। वे सब फिर से मजे से रहने लगे और वो समझ गए कि शक्ति बिखेरने में नहीं इकट्ठा होने में है, और वो सब मिलजुल कर संगठन की भावना से रहने लगे, है
है ना, मिलजुल कर अगर हम रहेंगे, या पशु हो, पक्षी हो, या फिर हम मनुष्य भी हो, कोई भी हो, मिलजुल कर रहेंगे, एक साथ रहेंगे, तो ही हम आनंदित रह पाएंगे, है ना। हमारा जो काम है वो पूरा होगा और हम मजे से रह पाएंगे। यही सीख हमें संगठन यह पाठ से मिलती है। ठीक है, आशा करती हूँ कि यह लेसन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे।